Hello students, in my previous video I had discussed about the concept of the synthetic fiber and plastic. मैंने आपको डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कि क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर. कुछ फाइबर्स मैंने आपको डिस्कस किए थे, एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए एंड देन आई विल डिस्कस लेटर. ठीक है, फिर उसको आगे डिस्कस करती हूँ क्या है. तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या होता है. आपको मैंने बताया था फाइबर्स, सिंथेटिक का मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि आपको केमिकल्स में बनाए जाते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में. सो दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दीज आर मैन मेड फाइबर्स, दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग. लेकिन कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट से आपके कॉटन और जूट हो गए, वूल और सिल्क हो गए एनिमल फाइबर से. सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर. लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं. सो द फाइबर्स विच आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. कल मैंने आपको बताया था सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, वॉट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, ये क्या होते हैं. आपको मैंने बताया था कि जैसे मोती की माला है, पेपर क्लिप की चेन है, इसमें एक एक मोती को बना के एक लंबी चेन बनाई गई है. इसमें एक पेपर, एक एक पेपर क्लिप को जोड़ के एक लंबा पेपर क्लिप की चेन बनाई गई है. ठीक इसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स. सिंथेटिक फाइबर भी हमारी एक लॉन्ग चेन है केमिकल यूनिट की. ठीक है, यानी सिंथेटिक, मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर इज ए लॉन्ग चेन. एक क्या है, एक लॉन्ग चेन है आपकी. ठीक है, एक लॉन्ग चेन है दैट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल स्मॉल केमिकल यूनिट. बहुत सारी छोटी छोटी केमिकल यूनिट से बनी हुई है. दीज केमिकल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर. इन केमिकल यूनिट्स को क्या कहते हैं, मोनोमर कहलाती हैं. और दीज मोनोमर्स आर कंबाइंड इन द लीनियर पैटर्न. इनका जुड़ने का पैटर्न क्या कहलाता है, लीनियर फॉर्म में. ठीक है, लीनियर फॉर्म है इनके मोनोमर्स के जुड़ने की जो फॉर्म है वो कैसी है, लीनियर. सभी मोनोमर यूनिट को लीनियरली जोड़ा गया है और एक लॉन्ग चेन तैयार की गई है. ठीक है, मोनोमर बहुत सारे मोनोमर को जोड़ के, ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन बन गई है. दिस इज कॉल्ड पॉलीमर. कल बताया था मैंने आपको पॉलीमर कहलाती है. सो वी कैन से सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर. सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाता है आपका, पॉलीमर है. सिंथेटिक फाइबर क्या है आपका, पॉलीमर. पॉली मतलब मैनी, मर का मतलब पार्ट्स, मैनी पार्ट्स. पार्ट्स कौन, यहाँ पे पार्ट्स कौन है, मैनी पार्ट्स. यहाँ पार्ट्स कौन है, मोनोमर, मैनी मोनोमर, मोनोमर. ठीक है, बहुत सारे मोनोमर को जोड़ के एक लॉन्ग चेन बनाई गई है मोनोमर्स की, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर. इट मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, मोनोमर की लॉन्ग चेन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. पॉलीमर क्या कहलाती है, ये पॉलीमर. ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर. अब मैंने आपको बताया कि मोनोमर्स को, बहुत सारे सिंगल जो केमिकल यूनिट को जोड़ जोड़ के लीनियर फॉर्म में एक लॉन्ग चेन बनाई गई है. ठीक है, तो जो मोनोमर है एक केमिकल सब्सटेंस है. यहाँ पर जो मोनोमर होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोनोमर एक केमिकल सब्सटेंस है, तो इसमें इनको जो लीनियर पैटर्न में जोड़ने का प्रोसेस है, आपको नाम बताया था मैंने कि ये जो मोनोमर केमिकल यूनिट्स हैं वो जिस प्रोसेस की मदद से जोड़ी जाती हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन. क्या कहलाता है वो, पॉलीमराइजेशन. यानी पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर ज्वाइंट इन द लीनियर फॉर्म टू मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर. यानी पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी मोनोमर यूनिट को जोड़कर एक लीनियर पैटर्न में जोड़कर एक लॉन्ग चेन बना दी जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन. समझे बात. फिर इसके बाद आपको डिस्कस किया था मैंने, इसमें ये कॉन्सेप्ट था आपका पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. एक पॉलीमर है जो मैंने बताया था कि हमारी नेचर में भी पाया जाता है. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर. कॉटन जिस धागा, जो हम कपड़ा यूज करते हैं फैब्रिक में, कॉटन का फाइबर, इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर. वो क्या है आपका, एक पॉलीमर है. इट मीन्स उस पॉलीमर का नाम क्या है, सेलुलोज. सेलुलोज बताया था, यानी कॉटन जो है क्या है, सेलुलोज है. इट मीन्स सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. यानी सेलुलोज जो है पॉलीमर है, इसका मतलब उसकी स्मॉल यूनिट का नाम क्या है, मोनोमर. यानी उसकी स्मॉल यूनिट क्या है, ग्लूकोज. ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर के लिए. सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले रेयॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, रेयॉन के लिए मैंने कल आपको बताया था कि रेयॉन का जो फाइबर है सबसे पहले डेवलप किया चाइना ने. चाइना ने इस बात को कुछ छुपा के रखा क्योंकि एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल था. ठीक है, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला तो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर करना चाहा, उसके बारे में सर्च करना चालू कर दिया.
और उसको लैब में कई 19th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने अपनी लेबोरेटरीज में उसको बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले रेयन फिर डेवलप किया गया बाय द सिंथेटिकली कैन से कि उसको केमिकल से प्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहां पर बनाया तो केमिकल से गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट सोर्स यूज किया गया दैट इज कॉल्ड द वुड पल्प। क्या कहलाता है? वुड पल्प, यानी रेयन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। रेयन बनने वाला पहला सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन पूरी तरह से वो सिंथेटिक नहीं है, सो वी कैन से इट इज द सेमी सिंथेटिक फाइबर। कैसा कहलाता है? वो सेमी सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाया, क्योंकि रेयन को बनाने के लिए एक प्लांट रिसोर्सेज का यूज किया गया, दैट इज प्लांट सोर्स का यूज किया गया, दैट इज द वुड पल्प। वुड पल्प लकड़ी से मिलता है, ठीक है, और बाद में इसको केमिकली प्रोसेस किया गया, उसको केमिकली ट्रीट किया गया, और बाद में उस जब हम वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करते हैं तो उसे एक नया फाइबर बना, दैट इज कॉल्ड रेयन। रेयन का नाम दैट लुक्स लाइक द सिल्क, एक प्योर सिल्क की तरह देखने में इसका टेक्सचर लगता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहलाया? ये आर्टिफिशियल सिल्क कहलाया, द फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क कहलाया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? यानी रेयन इज पहला सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। ठीक है, ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प, येट इट इज अ मैन मेड। वो मैन मेड क्यों कहलाया? क्योंकि उसको केमिकली प्रोसेस किया गया था। सीधी सी बात है, बताया मैंने आपको रेयन की टेक्सचर बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सिल्क जैसा होता है, लोगों को फैसिनेट करता है, लोग उसके अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस किया गया इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी चीपर होती है इन कंपेरिजन टू द प्योर सिल्क। सो सभी लोग उसको क्या कर सकते हैं? अफोर्डेबल कर सकते हैं, अफोर्डेबल होता है, सभी लोग खरीद सकते हैं। रेयन से डिफरेंट टाइप की साड़ी भी बनाई जाती है, देखने में सिल्क जैसी लगती है लेकिन प्योर सिल्क की नहीं होती। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है बेडशीट बनाने, कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं अगर रेयन का फाइबर, तो बेडशीट बना सकते हैं, वूल के साथ मिक्स कर देते तो कारपेट बना सकते हैं, तो ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज करके उसको हम डिफरेंट आइटम्स मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आया नाइलॉन। नाइलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो पूरी तरह से सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक कहलाया, बिकॉज इट इज मेड बाय द परफेक्टली केमिकल सब्सटेंस, एक पूरी तरह से केमिकल से बनाया गया। तो यहां पर मैंने आपको नाइलॉन के लिए बताया था, नाइलॉन जो है दो जगह एक साथ बनाया गया, न्यूयॉर्क और लंदन में। ठीक है, लंदन में और न्यूयॉर्क में एक साथ तैयार किया गया, इसलिए इसके नाम के आधार पर दे दिया गया इसका न्यूयॉर्क नाई लंदन लॉन हो गया। ठीक है, तो नाइलॉन बन गया इसका नाम। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, फुली सिंथेटिक फाइबर कहलाया, एंड इट इज मेड बाय द कोल वॉटर एंड एयर, एयर से बनाया जाने वाला, कोल वाटर एयर से बनाया जाने वाला, पूरी तरह से सिंथेटिक केमिकल से बनाया जाने वाला पहला फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था। दूसरी बात यह है कि इसकी जो केमिकल यूनिट, इन चीजों से मिला के केमिकल यूनिट तैयार की गई, दैट इज द एमाइड, एमाइड यूनिट। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट है ये, नायलॉन की मोनोमर यूनिट का नाम क्या है याद रखेंगे, एमाइड। बहुत सारी एमाइड यूनिट को जोड़ के एक सिंथेटिक चेन बनाई गई है, पूरी लॉन्ग चेन, दैट इज द पॉलीमर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएमाइड। समझ रहे हैं? नायलॉन की स्मॉल यूनिट का नाम क्या है? एमाइड। अब बहुत सारी एमाइड को आपस में लीनियर फॉर्म में जोड़ा गया पॉलीमराइजेशन से, तो पॉलीएमाइड बन गया। पॉलीएमाइड का दूसरा नाम क्या है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट का होता है, आसानी से वॉशेबल है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें से बनाई जा सकती है। जैसे आर्टिकल्स देखेंगे, जैसे सॉक्स है, रोप्स है, टेंट्स है, टूथब्रशेस है, आपके टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, देखिए ये टूथब्रश है, आप देख रहे हैं ये टूथब्रश है, टूथब्रश में जो ब्रश जहां पर आप पेस्ट लगाते हैं ये ब्रिस्टल्स, ये तो नायलॉन के, और ये प्लास्टिक का हैंडल होता है। ठीक है, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, कर्टेन्स हैं, ये सब किस चीज का आइटम है? आपके नायलॉन के बने हुए आइटम है। इसके अलावा नायलॉन की एक बात है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, रादर देन द स्टील फाइबर, एक स्टील फाइबर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग द पैराशूट रोप्स एंड रॉक क्लाइंबिंग, इन सबको बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे थे, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एक्रिलिक। ठीक है, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक और दूसरा सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर। आप समझ रहे हैं नाम, पॉलिएस्टर का मतलब क्या हो गया? पॉलिएस्टर इट मींस कि पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर का मतलब हो गया स्मॉल यूनिट्स, पॉलिएस्टर का मतलब हो गया स्मॉल यूनिट्स। तो आपके इसमें जो है पॉलिएस्टर में, इसमें आप देखेंगे पॉलिएस्टर के पास पॉली का, पॉलिएस्टर आप ये पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी एस्टर यूनिट, यानी मैनी एस्टर यूनिट्स, मैनी एस्टर यूनिट, बहुत सारी एस्टर यूनिट्स को जोड़ के, यानी यहां पर एस्टर इज द मोनोमर सब्सटेंस, मोनोमर है, मोनोमर है, पॉलिएस्टर का मोनोमर कौन हो गया? एस्टर। एस्टर सा द केमिकल कंपाउंड, ये जो हमारे हैं केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं ये,
ठीक है, एस्टर्स कैसे सब्सटेंस है, पॉलिएस्टर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर जो फैब्रिक है एक सिंथेटिक फाइबर है, इसको पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर का मतलब एस्टर एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिएस्टर में इसकी जो मोनोमर यूनिट का नाम क्या है, एस्टर, एंड दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग फ्रूट स्मेल, हैविंग फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, ठीक है। फ्रूटी स्मेल, मीठी मीठी खुशबू आती है फलों की सी, जैसे ये मीठी स्मेल होती है ना, ये अच्छे अच्छे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्मेल थोड़ी सी स्वीटी होती है, ठीक है, फलों की सी लगती है, इसलिए इसको फ्रूटी स्मेल से नाम से जाना जाता है एस्टर कंपाउंड्स को। तो आगे बात करते हैं इसमें, पॉलिएस्टर फैब्रिक की खास बात होती है कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, इनसे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, रिंकल नहीं पड़ते, क्रिस्प रहता है कपड़ा, जैसा का है वैसा ही रहता है, सच रहता है, इजी टू वॉश है, ठीक है, पानी को अब्सॉर्ब नहीं करता, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट, पॉलिएस्टर की शर्ट आती है मार्केट में, अदर ड्रेसेस। इसके अलावा पॉलिएस्टर भी दो टाइप से मार्केट में मिलता है, एक टेरिलिन के नाम से, और दो टाइप का पॉलिएस्टर आता है, ठीक है, मार्केट में पॉलिएस्टर जो है दो टाइप का आपको मार्केट में मिलता है, एक होता है टेरिलिन के नाम से, एक आपका है टेरिलिन, TERYLENE, टेरिलिन, और एक होता है PET के नाम से मिलता है मार्केट में, ठीक है। टेरिलिन एक ऐसा मतलब पॉलिएस्टर का ही एक टाइप है, जिससे हम इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स, बहुत ज्यादा थिन फाइबर्स इससे बनाए जा सकते हैं टेरिलिन के, सो इट कैन बी वूवन इनटू ड्रेस मटेरियल, और इट कैन बी वूवन टू मतलब बहुत ज्यादा पतले स्ट्रैंड्स होते हैं टेरिलिन के, सो इट कैन बी वूवन इनटू द यार्न, उससे हम यार्न बना सकते हैं और यार्न से एक अच्छा फैब्रिक तैयार किया जा सकता है, समझ रहे हो आप। टेरिलिन का जो फाइबर होता है बहुत ही ज्यादा मतलब पतला फाइबर है, सो टेरिलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, वो भी एक टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर, यानी उसके अंदर भी एक मोनोमर यूनिट है एस्टर की, ठीक है। तो टेरिलिन का जो फाइबर होता है वो पतला होता है, सो इट कैन बी कन्वर्ट इजली बाय ट्विस्टिंग यार्न, यार्न बना सकते हैं, ये फाइबर्स आप देख रहे हैं फाइबर्स हैं, तो अगर हम इनको ऐसे ट्विस्ट कर दें, ऐसे ट्विस्ट कर दें तो ये यार्न में बदल जाएंगे, ठीक है, यार्न हो गया, और यार्न से क्या बनता है, फिर यार्न को वीविंग कर देंगे तो आपका क्या तैयार हो गया, फैब्रिक तैयार हो गया। तो टेरिलिन से हम एक पॉलिएस्टर है, तो ये इसने कहा कि टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स, ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर्स, फाइबर्स हैं इसके बहुत ज्यादा पतले, दैट कैन बी वूवन लाइक एनी यार्न, और उससे हम फाइबर्स को ट्विस्ट करके क्या बना सकते हैं, यार्न, और यार्न से क्या बन सकता है, फैब्रिक। इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पैट इज ऑल्सो एनदर फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं पैट की, पैट भी एक दूसरे टाइप का पॉलिएस्टर है, आप देखें पैट की बॉटल्स मार्केट में आती है, पैट की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीथाइलीन टेरिथैलेट, पॉलीथाइलीन टेरी टेरिथैलेट, ठीक है, ये साइलेंट है यहाँ पर, पॉलीथाइलीन टेरिथैलेट, ठीक है, ये इसकी पैट की फुल फॉर्म है, पैट इज ऑल्सो ए पॉलिएस्टर, एक पॉलिएस्टर ये, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, अधिकतर इसका बॉटल्स बनाने में यूज किया जाता है, बॉटल्स आते हैं मार्केट में पैट के नाम से, कंटेनर्स आते हैं पैट की बॉटल्स, पैट के कंटेनर्स आते हैं, इसके अलावा इसका यूज किया जाता है वायर्स बनाने में, फोटोग्राफी फिल्म होती है आपकी जिसपे जो रील डलती है जिसको कह सकते हैं वो, है ना, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आगे, इसको देखेंगे येलो बॉक्स को, पॉलिएस्टर, अभी मैंने आपको बताया पॉली प्लस एस्टर, बताया मैंने अभी आपको, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर, किससे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, एस्टर, यानी एस्टर इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर, एस्टर द कंपाउंड्स गिव फ्रूटी स्मेल, फ्रूट देयर स्मेल, फ्रूट्स देयर स्मेल, इनकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट्स की लाइक होती है, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्ड पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, ठीक है, पॉलिएस्टर के फैब्रिक्स जो होते हैं, पॉलिएस्टर से बनने वाले कपड़े किस नाम से मार्केट में आते हैं, पॉलीकॉट के नाम से, टेरिकॉट के नाम से, पॉलीवूल के नाम से मार्केट में आते हैं, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब देख रहे हैं पॉलिएस्टर के कपड़े पॉलिएस्टर के नाम से नहीं आता है, बल्कि मार्केट में पॉलीकॉट के नाम से या टेरिकॉट के नाम से या पॉलीवूल के नाम से आते हैं, ठीक है, तो आप नाम से समझेंगे इसको ध्यान से, मिक्सिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, पॉलीकॉट यानी इट इज मेड बाय पॉलीकॉट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कॉट मतलब कॉटन और पॉलिएस्टर, तो चली जाए, इट मीन्स इट इज पॉलिएस्टर की एक खास बात है कि पॉलिएस्टर शो द डिफरेंट ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है ये पॉलिएस्टर, कैसे ब्लेंडिंग मतलब मिक्स होना, पूरी तरह से फाइबर मिक्स हो जाता है और दूसरा टेक्सचर का एक मटेरियल तैयार करता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया पॉलीकॉट, जो पॉलिएस्टर का फाइबर है वो किस फॉर्म में मिलता है मार्केट में, पॉलीकॉट के नाम से आता है फैब्रिक इसका, ठीक है, जो फैब्रिक पॉलीकॉट के नाम से आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे हो गया, इसमें फाइबर हो गया, पॉलिएस्टर तो है ही
और साथ में किसके साथ ब्लेंड किया गया, किसके साथ इसको मिक्स किया गया, कॉटन के साथ, ठीक है। तो जब ये पॉलिएस्टर का फैब्रिक, सॉरी पॉलिएस्टर का फाइबर और कॉटन का फाइबर आपस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं और एक नए फाइबर की तरह से एक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, दैट इज द पॉलीकॉट। क्या कहलाता है? पॉलीकॉट कहलाता है। एक आता है मार्केट में टेरिकॉट, टेरिकॉट आती है, ठीक है। एक आता है ये टेरिकॉट के नाम से, टेरिकॉट में भी आपका हो गया डबल आ जाएगा टेरिकॉट में, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, टेरिकॉट में अब टेरी टेरिलीन हो गई, कॉट मतलब, तो यहाँ पे देखो दो चीजें मिक्स हैं, टेरिलीन एक फाइबर है टेरिलीन और प्लस कौन सा हो गया कॉटन। अब टेरिलीन क्या है? टेरिलीन इज ऑल्सो एक पॉलिएस्टर, टेरिलीन भी क्या है? एक पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिकॉट बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज किया गया है? टेरिलीन का फाइबर। टेरिलीन भी क्या है? पॉलिएस्टर है, और साथ में क्या यूज किया गया? कॉटन। तो इन दोनों को ब्लेंड करके एक नया फाइबर डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड टेरिकॉट। तो मार्केट में टेरिकॉट के नाम से भी फैब्रिक आता है, ठीक है। एक आपका फैब्रिक हो गया पॉलीवूल, ठीक है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ, पॉलीवूल की अगर मैं बात करूं इसमें, तो पॉलीवूल क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे पॉलीवूल के लिए, पॉलीवूल, पॉलीवूल का मतलब किसकी ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी है ये? पॉलिएस्टर की। तो पॉलीवूल का मतलब हो गया इसमें क्या मिक्स है? पॉलिएस्टर प्लस वूल, ठीक है। मिक्स कर दिए गए, ब्लेंड किए गए, एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर मिक्स कर दिए गए ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो पॉलिएस्टर आपका कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है, और वूल कैसा है? एक नेचुरल फाइबर है। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक नया सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया, दैट इज द पॉलीवूल। सो इट मीन्स बिकॉज, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि पॉलिएस्टर शो द ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपका जो पॉलिएस्टर का फाइबर है, पॉलिएस्टर का जो फाइबर है वो क्या शो करता है? ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, डिफरेंट नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जा सकता है उसको, ठीक है, और एक नए टेक्सचर के फाइबर को प्रोड्यूस करता है। तो जो पॉलिएस्टर का फाइबर है उसको ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी है, वो किसके साथ ब्लेंड हो जाता है? नेचुरल फाइबर के साथ, जैसे वूल के साथ। पॉलिएस्टर का फाइबर वूल के साथ ब्लेंड हो गया, पूरी तरह से मर्ज हो गया उसके साथ, और नया फाइबर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीवूल। क्या कहलाता है ये? पॉलीवूल। कॉटन के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बनाएगा? पॉलीकॉट। तो इस टाइप से ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी के कारण हम डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को भी इसमें क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। देख रहे हैं, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, ठीक है, एंड पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, और पॉलीवूल इज अ मिक्सचर, यानी पॉलीवूल, पॉलीवूल क्या है? पॉलिएस्टर है, ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी शो करने वाला पॉलिएस्टर है, जिसमें पॉलिएस्टर तो है ही, साथ में वूल का नेचुरल फाइबर भी है, ठीक है। तो इस टाइप से ये ब्लेंडेड फाइबर है, यानी पॉलीकॉट। तो देखिए यहाँ पर पॉलीवूल, पॉलीकॉट और पॉली, सॉरी कौन सा था, ठीक है, और टेरिकॉट, ये ब्लेंडेड फाइबर्स हैं। दीज आर कॉल्ड द ब्लेंडेड फाइबर्स बिकॉज दीज आर मिक्सिंग, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ वन नेचुरल और वन सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। पॉलीवूल, पॉलीकॉट नाम अंडरलाइन करें, मैं ध्यान से देखेंगे, पॉलीवूल, पॉलीकॉट और टेरिकॉट, दीज आर द ब्लेंडेड फाइबर्स। कैसे हैं ये? ब्लेंडेड फाइबर्स हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है कि एक सिंथेटिक फाइबर एक नेचुरल फाइबर को ब्लेंड किया गया, यहाँ पर मिक्स किया गया, यानी पॉलीवूल और पॉलीकॉट ये ब्लेंडेड फाइबर्स हैं, यानी एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर को आपस में मिक्स करके, ठीक है, उनको ब्लेंड करके, मर्ज करके एक नया फाइबर डेवलप किया गया है, सो दैट इज द पॉलीवूल और पॉलीकॉट और टेरिकॉट, ठीक है। सो दीज आर द ब्लेंडेड फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। अब जो हम ठंड में आजकल शॉल आती है, आप स्टॉल देखते हैं मार्केट में, ठीक है, और एक प्योर वूल की शॉल आती है, अगर आप मार्केट में प्योर वूल की शॉल लेंगे तो बहुत महंगी आती है, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल सी स्टॉल है वो 200 की 250 की मिल जाएगी। सो इट मीन्स कि इट वॉज नॉट द प्योर वूल, एक प्योर वूल नहीं है, ठीक है। सो प्योर, क्योंकि प्योर वूल बहुत नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं और सभी लोग उसको क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मान लो नेचुरल वूल की शॉल लेते हैं, वो 2-2 हज़ार की, 3-3 हज़ार की आएगी, लेकिन सभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेचुरल फाइबर्स के लोग उसको अफोर्ड कर सके, इसलिए नेचुरल फाइबर जैसा लगे दूसरा फाइबर, एक टेक्सचर डेवलप किया गया है, एक दूसरा फाइबर जो है डेवलप किया गया है सी टेक्सचर का, दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। क्या कहलाता है? एक्रिलिक कहलाता है, ACRYLIC। इट मीन्स दिस फाइबर हैज द सिमिलरिटी जस्ट लाइक द वूल, ठीक है, एक नेचुरल फाइबर की तरह इसकी सिमिलरिटी होती है। सो वी वेयर द स्वेटर, जैसे मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल सी जो मार्केट में शॉल्स आती हैं, स्टॉल आती हैं 200 की 300 की, वो जस्ट लाइक नॉट अ प्योर वूल, एक प्योर वूल नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? प्योर वूल का मतलब होता है कि नेचुरल फाइबर से मिलने वाला, लेकिन वो आर्टिफिशियल तैयार किए गए हैं, आर्टिफिशियल वूल है। आर्टिफिशियल वूल का नाम क्या होता है? एक्रिलिक। नया फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक। सो वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल।
दो दे अपेयर टू रिजेंबल वुल, यानी हम ऐसी बहुत सारी चीजें शॉल वगैरह स्वेटर जो विंटर में हम यूज करते हैं लेकिन वो वास्तव में क्या नहीं होती, नेचुरल वूल नहीं होती, बट दे रिजेंबल टू वूल। वो किससे रिजेंबल करती है, यहाँ पर है रिजेंबल टू वूल, वूल से रिजेंबल करती है। सो द फाइबर दैट रिजेंबल टू वूल दैट इज कॉल्ड एक्रीलिक। क्या कहलाता है, एक्रीलिक। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी उस फाइबर का नाम क्या है, एक्रीलिक, जो किससे मिलता है, किससे मिलता है, सिंथेटिक आपके वूल से मिलता है, नेचुरल वूल से मिलता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल वूल होती है शीप से जो मिलती है, कैमल से वो मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, इसलिए एक नया फाइबर डेवलप किया गया है दैट वॉज द एक्रेलिक, ठीक है। इसलिए इससे बनने वाले कपड़े सस्ते होते हैं, आसानी से सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो द क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जानते हैं बहुत सारे कलर्स आते हैं स्वेटर्स में, एक्रेलिक के होते हैं सारे। इसका मतलब जो शॉल आती है, जो स्टॉल आते हैं मार्केट में, वूल नहीं है, दिस आर द एक्रेलिक है वो। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम वेरी पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। यही कारण है कि सिंथेटिक फाइबर एक तो सस्ता होता है, दूसरी बात आसानी से वो वॉशेबल है, ठीक है, अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात है कि वो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी, जल्दी से घिसता नहीं है सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वो केमिकल से बना है, ठीक है, तो जल्दी से वो कपड़ा घिसता नहीं है सिंथेटिक फाइबर का। दूसरी बात उसको अफोर्डेबल है, यानी चीपर होता है इन कंपेरिजन टू द नेचुरल वूल, तो सभी लोग उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लाइन देखेंगे सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबिलिटी होती है क्योंकि केमिकल्स है वो, नेचुरल फाइबर नहीं है तो जल्दी से वो घिसता नहीं है कपड़ा, ठीक है, अफोर्डेबल है, चीपर देन नेचुरल फाइबर, तो सभी लोग उसको, जैसे मजदूर वगैरह हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो सब उनको अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई द सिंथेटिक फाइबर आर मेक्स देम मोर पॉपुलर, दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी मोर ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, सो विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। यही कारण नेचुरल फाइबर की तुलना में आज हमारे देश में सिंथेटिक फाइबर्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, बिकॉज दीज आर द फाइबर्स विच आर मोर ड्यूरेबल इन कंपेरिजन टू नेचुरल और मोर अफोर्डेबल, सो दैट एवरी पर्सन यूज दैम, ठीक है, हर व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अभी बात हुई कि एक्रेलिक की, ठीक है, तो एक्रेलिक क्योंकि हमारा जो फाइबर है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, सो वी कैन से एक्रेलिक फाइबर इज मेड बाय द स्मॉल केमिकल यूनिट मोनोमर बात नाम। जैसे हम बात सुनते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर है तो हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि इट मीन्स ये सिंथेटिक फाइबर है, इट मीन्स इट इज मेड बाय द स्मॉल मोनोमर यूनिट, स्मॉल मोनोमर यूनिट से बनाए। तो हम बात कर रहे हैं एक्रेलिक की। एक्रेलिक इज द फाइबर दैट रिजेंबल लाइक वूल, किससे, वूल से रिजेंबल करता है। तो एक्रेलिक क्योंकि एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, क्योंकि एक सिंथेटिक फाइबर है, तो जैसी बात था हमें लगता है कि सिंथेटिक फाइबर, इट मींस इट इज मेड बाय द मोनोमर यूनिट। मैंने आपको बताया था सारे सिंथेटिक फाइबर एक केमिकल से बने होते हैं, वो केमिकल यूनिट मोनोमर कहलाते हैं, जिनको एक लीनियरली जोड़ा जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन। मैंने आपको बताया था कि सारे सिंथेटिक फाइबर ऐसे छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से बने होते हैं जिनको एक लीनियरली जोड़ा जाता है, इस यूनिट को कहते हैं मोनोमर और इस लॉन्ग चेन को कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, लॉन्ग चेन जो बनती है पॉलीमर और इसको जोड़ने का प्रोसेस पॉलीमराइजेशन। तो एक्रेलिक क्योंकि वूल जैसे अपीयरेंस है, सो यहां पर इसकी मोनोमर यूनिट का नाम याद रखें, थोड़ी बड़ी है, इसकी मोनोमर यूनिट है एक्राइलो नाइट्राइल, ACRYLO, एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल मोनोमर यूनिट है ये एक्राइलो नाइट्राइल। बहुत सारी एक्राइलो नाइट्राइल, बहुत सारी एक्राइलो नाइट्राइल को जोड़ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बन गई है, सो इसलिए इसका नाम क्या है, पॉली, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, एक्राइलो नाइट्राइल। बहुत सारी एक्राइलो नाइट्राइल की मोनोमर यूनिट को आपस में कंबाइन किया गया एक लॉन्ग चेन में और एक लॉन्ग चेन तैयार की गई है, ठीक है, सो दिस लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, यहाँ पे मोनोमर कौन है, एक्राइलो नाइट्राइल, सो दिस लॉन्ग चेन ऑफ एक्राइलो नाइट्राइल इज कॉल्ड पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, क्या कहलाती है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ये लॉन्ग चेन जो बनी, ठीक है, ये क्या कहलाती है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, सो वी कैन से पॉली एक्राइलो नाइट्राइल इट इज द एक्राइलिक, यानी एक्राइलिक जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलिक तो जनरल नेम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको केमिकल नेम देखूं तो दैट इज द पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। यहाँ पर पॉली मतलब बहुत सारे, क्या चीज बहुत सारी है, एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल की बहुत सारी यूनिट्स, ठीक है, एक्राइलिक यहाँ पर जनरल नेम है लेकिन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल एक उसका वैसा नेम है केमिकल, तो पॉली को अगर मैं तोड़ूं तो पॉली मतलब मेनी और एक्राइलो नाइट्राइल एक केमिकल यूनिट है, तो क्या चीज बहुत सारी है, यहाँ पर बहुत सारी एक्राइलो नाइट्राइल को सीधा सीधा जोड़ा गया है, एक लॉन्ग फॉर्म में जोड़ा गया है, एंड इट फॉर्म द सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड एक्राइलिक और वी कैन से पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, एसो यू अंडरस्टैंड,
यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या कहती है. यू ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर एक्टिविटी इन 3.6 ऑफ क्लास 7th. एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर? यू फाइंड दैट द बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर. ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग. ठीक है, अगर हम इनमें से जलाते हुए कहना चाह रहा है कि अगर हम बर्न करते हैं एक सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाता है. दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. देखिए, जब हम बर्निंग प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, अगर हम एक नेचुरल फाइबर को जलाऊं, ठीक है, और एक सिंथेटिक फाइबर को जलाऊं, तो ध्यान से देखना, सिंथेटिक फाइबर जैसे प्लास्टिक जलती है, पॉलीथीन जलती है, तो वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे मेल्ट हो जाती है. ठीक है, वो हल कुछ भी ऐश नहीं आएगी. लेकिन अगर मैं एक सिंथेटिक सॉरी नेचुरल फाइबर बर्न करती हूँ, तो वो जलने के बाद ऐश प्रोड्यूस करेगा, राख बनाएगा, क्योंकि वो जब जलता है तो उसमें ऐश बनेगी. यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर जलने से ऐश नहीं बनेगी, क्योंकि वो जलने के बाद वो मेल्ट, क्योंकि जब जलता है तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर की खास बात है कि सिंथेटिक फाइबर को जब हम बर्न करते हैं, तो जैसे कॉटन है, मान लो सपोज दैट आपके पास कॉटन का कपड़ा है, उसमें आग लगा दो, तो आपने देखो बिल्कुल जल जाएगा, कार्बन की सी काला काला हो जाएगा, राख सी बन जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक सिंथेटिक फाइबर लेके जलाऊं, ठीक है, और अगर सिंथेटिक फाइबर देखे जाऊं तो झुलस जाएगा. आपने ध्यान से देखना, अगर मैं सिंथेटिक फाइबर को बर्न करती हूँ तो वैसे झुलस जाएगा, उसमें झुर्रिया सी पड़ जाएंगी. ठीक है, लेकिन उसकी ऐश नहीं बनेगी. तो इट मीन्स कि दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर. इफ द क्लॉथ कैच फायर, यदि क्लॉथ जो है कैच करता है फायर, इट कैन बी डिजास्ट्रस. द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन वेयरिंग इट. वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी. यानी वो कहना चाह रहा है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर अगर बर्न होता है तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है, वो मेल्ट हो जाता है, जबकि आपका नेचुरल फाइबर मेल्ट नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, वो परफेक्टली चलता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हो जाता है. और मेल्ट हो जाएगा इसलिए, सपोज दैट अगर हम किचन में काम कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर को पहन के, और अचानक से सडनली हमारे कपड़ों में आग लग जाती है, तो वो कपड़ा क्योंकि वो फाइबर जो है मेल्ट होता है, इसलिए पूरा का पूरा कपड़ा जो हमने पहना हुआ, सिंथेटिक कपड़ा जो पहना हुआ है, वो सारा क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा. और मेल्ट होगा तो वो राख तो बनाएगा नहीं, इसलिए वो हमारी बॉडी से स्टिक हो जाएगा. ठीक है, वो स्टिक हो जाएगा, जो चीज मेल्ट होती है वो स्टिक हो जाती है, तो वो मेल्ट होकर स्टिक हो जाएगा हमारी बॉडी से. ठीक है, और जब वो ठंडा होगा तो हमारी खाल को भी साथ साथ निकाल देगा, समझ रहे. इसलिए किचन में काम करते समय या कभी लेबोरेटरीज में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए. दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज. बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इजी टू वॉश है, क्रिस्प रहता है हमेशा, और उसमें क्या कहते हैं, कलर मेंटेन रहता है, कभी भी कलर फेड नहीं पड़ता. दूसरी बात, रिंकल्स नहीं आते, आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं करता बहुत ज्यादा. ठीक है, तो बहुत सारी एडवांटेज हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है. जब जलाते हैं तो वो मेल्ट होता है, मेल्ट हो जाता है. इसलिए अगर हम बाय सडनली अगर हम कपड़े को पहनकर काम करते हैं किचन में, कहीं लेबोरेटरी में, और अगर हमारा कपड़ा आग पकड़ ले, तो वो क्या होगा, कपड़ा मेल्ट होगा. मेल्ट होते ही क्योंकि वो राख नहीं बनाएगा, तो हमारी बॉडी से स्टिक होगा, स्टिक होगा, तो जैसे ही वो ठंडा होगा हमारी स्किन को भी साथ साथ निकाल देगा. ठीक है, सो इट वुड बी मोर डिजास्टर्स टू वेयर इट. इसलिए हमें जरूरी, हमारे लिए जो है ऐसे कपड़े पहनना इस टाइप के काम करते समय, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. ठीक है, सो ओ नो, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन. यही कारण है, जब बुजो कहती है कि इसलिए यही अच्छा, इसलिए मेरी मदर जो होती है कभी भी पॉलिएस्टर के कपड़े किचन में काम करते हुए नहीं पहनती. क्यों नहीं पहनती, आंसर आपके पास आ गया, क्योंकि वो कपड़ा क्या होता है, मेल्ट हो जाता है. और बाय सडनली अगर वो आग पकड़ता है तो आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है. ठीक है, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम और इज इनकॉल्ड पेट्रोकेमिकल. हर सिंथेटिक फाइबर, मैं बार बार बता रही हूँ कि हर सिंथेटिक फाइबर जो बनता है वो एक केमिकल सब्सटेंस से बनता है. उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है, मोनोमर यूनिट. तो जो केमिकल्स चाहिए उसको बनाने के लिए, जिस केमिकल का यूज किया जाता है, वो केमिकल्स बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं. वो रॉ मटेरियल कहाँ से होते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं. ठीक है, यानी सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है, उस वो केमिकल्स को भी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल. पेट्रोलियम किससे मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं. सो दीज आर द पेट्रोकेमिकल्स, क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल. ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास जो मोनोमर यूनिट है, केमिकल यूनिट, उस केमिकल यूनिट को बनाने के लिए
भी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता। जैसे आपको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी उस केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए भी कुछ और मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। दीज रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कहाँ से मिलते हैं? वो पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल्स। हम उन रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। इट मीन्स कि सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। देखेंगे, ध्यान से देखना कि अभी मैंने क्या कहा आपसे कि एक सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? केमिकल यूनिट चाहिए, ठीक है, केमिकल यूनिट चाहिए, ठीक है। इस केमिकल यूनिट का नाम क्या है? मोनोमर। और इस केमिकल यूनिट को बनाने के लिए भी कुछ सब्सटेंस चाहिए, रिक्वायर्ड है, जो कि रॉ मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल। इस केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये कहां से मिलते हैं? दीज रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड, कहां से प्राप्त किए जाते हैं? दीज रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल चाहिए इनको बनाने के लिए, इस मोनोमर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। कहां से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम, आप कोल और पेट्रोलियम अपने एरिया में पड़ा हुआ है, पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। सो दीज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से मिल रहा है? पेट्रोलियम से। यानी सिंथेटिक फाइबर की केमिकल यूनिट को बनाने के लिए, मोनोमर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। सो दैट्स वाई These raw materials are also called petrochemicals. क्या कहलाते हैं? Petrochemicals. Define देखेंगे, what is the petrochemicals? The petrochemicals क्या होता है? These are the raw materials which are required to make the monomer unit. वो raw materials हैं जो कि हमें monomer unit को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, and are obtained from petroleum. वो कहाँ से मिलते हैं? Petroleum से मिलते हैं, ठीक है। So ये वही petroleum की बात, petrochemicals की बात, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें characteristic of the synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly. आप देखो अगर बारिश आती है तो umbrella, synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress materials. Synthetic fibers से आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे तो जल्दी सूख जाते हैं, तो synthetic fiber की जो main important characteristic क्या है? They dry up quickly. जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, रेडली अवेलेबल, आसानी से सब जगह अवेलेबल भी रहते हैं, इजी टू मेंटेन, बहुत ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिकुड़न नहीं आती, प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक। सो दैट्स वाई द सिंथेटिक फाइबर आर चीपर एंड मोर अफोर्डेबल है, ज्यादा ही, ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा क्या नहीं है, महंगे नहीं है, इसलिए सभी लोग उनको पहनना, उनको खरीदना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे हम। प्लास्टिक डूसन, देखिए इसमें डूसन, इसमें क्या क्या है, देखिए एक्टिविटी देखते हैं एक बार, इसमें क्या है एक्टिविटी। टेक टू क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। दो कपड़े ले लिए जो कि हाफ मीटर के हैं, वन ऑफ दिस शुड बी नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी द सिंथेटिक। दो कपड़े जिनमें से एक कपड़ा आपका नेचुरल है और एक कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। यू कैन हेल्प यू फॉर योर पेरेंट्स सेलेक्टिंग दीज पीसेज। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। आपने दोनों एक मग, दो मग लिए जो जिनमें सेम अमाउंट का पानी लिया, ठीक है, उन दोनों कपड़ों को डिप कर दिया उसमें हाफ एन आवर या वन आवर के लिए। टेक द पीस ऑफ आउट ऑफ कंटेनर आफ्टर फाइव मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट। उनको स्प्रेड किया, जो सुखाया, तो बताओ कौन सा जल्दी सूखेगा? आप बताओ पहले, मग में पानी किस में कम हो जाएगा ज्यादा? सीधी सी बात है, जिसके अंदर नेचुरल फाइबर था वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पानी, तो जो इसमें मग, जिस मग के अंदर नेचुरल फाइबर था, नेचुरल क्लॉथ था, ठीक है, नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ था, वो पानी कम दिखेगा क्वांटिटी में, और जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर था वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता तो ज्यादा पानी दिखेगा। तो अब नेचुरल जो क्लॉथ था उसके अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा थी, तो वैसे सूखने में देर ज्यादा लगाएगा, और सिंथेटिक फाइबर के अंदर पानी की अमाउंट कम थी क्योंकि पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो सूखने में भी जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जल्दी सूखते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू द नेचुरल फाइबर। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द एक्टिविटी, इट इज वेरी इजली।
नाउ डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में मैं आपको एक चीज पहले ही बता दे रही हूँ, प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक इज ऑल्सो जस्ट लाइक द सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर की तरह ही है। इसमें प्लास्टिक में खास बात क्या है हमारे पास की जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक जो है आपकी, प्लास्टिक जस्ट लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की तरह है, सिंथेटिक फाइबर की तरह है। इट मीन्स सिंथेटिक फाइबर किससे बनाए जाते हैं, मोनोमर से। जस्ट लाइक प्लास्टिक इज ऑल्सो मेड बाय द केमिकल यूनिट, इट इज ऑल्सो मेड बाय द केमिकल यूनिट से बनाई जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मोनोमर, क्या कहलाती है, मोनोमर। सो वी कैन से प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंथेटिक प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। वाई वी कॉल द प्लास्टिक सिंथेटिक क्यों कहलाती है, बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड मोनोमर, वो भी केमिकल यूनिट से बनाई जाती है इंडस्ट्री में। सो दैट्स व्हाई द प्लास्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक प्लास्टिक कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, जिस मोनोमर का यूज किया था प्लास्टिक को बनाने में, ठीक है, वो एक केमिकल यूनिट है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जोड़ने का पैटर्न अलग है। प्लास्टिक को दो तरीके से जोड़ा जाता है, इनकी मोनोमर यूनिट को जोड़ने के दो तरीके हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर को जोड़ने का केवल एक ही तरीका है। हमने क्या बताया था, सिंथेटिक फाइबर के जोड़ने के लिए क्या था कि जो मोनोमर्स हैं उनको सीधा सीधा जोड़ा जाता है लीनियर फॉर्म में। सिंथेटिक फाइबर के केस में जो मोनोमर्स हैं उनको लीनियर जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ प्लास्टिक के केस में, प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंथेटिक बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड मोनोमर, सो दैट्स वाई प्लास्टिक इज सिंथेटिक। लेकिन यहाँ पर मोनोमर जोड़ने के दो तरीके हैं, एक को होता है यहाँ पर मोनोमर जो लिंकेज पैटर्न ऑफ, यहाँ पर पैटर्न पढ़ रहे हैं हम, पैटर्न ऑफ लिंकेज ऑफ मोनोमर। प्लास्टिक के जो मोनोमर्स हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ पैटर्न है, दो टाइप का पैटर्न यहाँ पे शो होता है, एक होता है लीनियर पैटर्न और एक होता है क्रॉस लिंक्ड पैटर्न, ठीक है। एक होता है लीनियर पैटर्न और एक कौन सा होता है, आप देख रहे हैं पैटर्न ऑफ लिंकेज ऑफ मोनोमर। मोनोमर जो है प्लास्टिक के जो मोनोमर है इनको जोड़ने का हमारा कुछ अलग पैटर्न है, एक होता है लीनियर पैटर्न होता है, एक होता है क्रॉस लिंक पैटर्न, समझ रहे बात। लीनियर का मतलब सीधा, क्रॉस मतलब क्रॉस करके, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर, मोनोमर को लीनियरली जोड़ा जाता है ऐसे, जैसे सिंथेटिक फाइबर में जोड़ा जाता है, ठीक है, ऐसे लीनियरली जोड़ा जाता है। ये लीनियर पैटर्न, मोनोमर कैसे जुड़े, सीधा सीधा जुड़े हैं, ठीक है। दिस इज अ लीनियर अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, ये मोनोमर का लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर का, सॉरी मोनोमर का लीनियर अरेंजमेंट है। क्रॉस लिंक में क्या करते हैं, बहुत सारी लीनियर चेन्स हैं वो भी आपस में जुड़ी रहती है, लीनियर बहुत सारी जो लीनियर चेन्स हैं, सारी लीनियर चेन्स हैं, ठीक है। मोनोमर्स की लीनियर चेन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक टू इच अदर, दे आर ऑल्सो इंटरलिंक टू इच अदर, ये भी आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपस में जुड़ी हैं, ये भी आपस ऐसे क्रॉस बन जाता है, ठीक है। लीनियर आपस में यानी लीनियर चेन्स, क्रॉस लिंक यह होता है जो लीनियर चेन्स होती है मोनोमर्स की, ठीक है, लीनियर चेन्स जो होती हैं आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, ये भी आपस में कैसे होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, जहां पर देखिए जब मोनोमर केवल लीनियरली जुड़े रहते हैं, सिर्फ जुड़े रहते हैं लीनियरली, दिस इज द अरेंजमेंट इसको लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। प्लास्टिक में दो तरह का अरेंजमेंट है मोनोमर्स का, एक होता है कि लीनियर चेन्स होती हैं वो भी आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इंस्टाग्राम में मैंने मोनोमर्स की लीनियर चेन बनाई है, ये भी आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, लीनियर चेन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक। जब लीनियर चेन्स आपस में जुड़ी रहती है तो इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो इसके आधार पर अगर लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर का या क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है मोनोमर का, तो इसके आधार पर प्लास्टिक दो टाइप की होती है, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, क्या कहलाती है, थर्मोप्लास्टिक, जिसमें लीनियर्स का, सॉरी जिसमें मोनोमर्स का लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जब मोनोमर्स का कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, क्या कहलाती है, थर्मोप्लास्टिक। और अगर क्रॉस लिंक्ड होता है, ये देख रहे हैं क्रॉस लिंक्ड है, यानी क्रॉस लिंक कब बनता है, जब लीनियर चेन्स भी आपस में जुड़ी जाती हैं, लीनियर चेन्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं, सो लीनियर चेन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई हैं, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्या कहलाता है, ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। एंड द प्लास्टिक विच हैज दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो टाइप की प्लास्टिक हो गई हमारे पास, एक हो गई थर्मोप्लास्टिक और एक कौन सी हो गई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक होती है जिसमें मोनोमर्स का कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसमें मोनोमर्स
कि जो लीनियर चेन्स हैं वो भी आपस में इंटरलिंक्ड होती है, यानी इंटरलिंक्ड अरेंजमेंट होता है, क्रॉस अरेंजमेंट होता है। यानी जिस प्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, जिस प्लास्टिक में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है वो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है, समझ रहे बात। तो अब अगर मान लो ये हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इसके जो एग्जाम्पल होंगे आपके पास थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे जैसे पॉलीथीन, थैलियां नहीं आती हैं किसी भी चीज की, पॉलीथीन प्लास्टिक जो आती है मार्केट में थैली सामान रखने के लिए सब्जी वगैरह वाले देते हैं, ये पॉलीथीन होती है। ठीक है, पॉलीथीन इज द थर्मोप्लास्टिक। आप देखेंगे पॉलीथीन फटाफट से मेल्ट हो जाती है, हल्की सी पॉलीथीन को अगर गैस के आगे रखो गर्म करो तुरंत मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें। थर्मोसेटिंग देखो, इसमें थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आ गया पॉलीथीन, एक आती है टेफ्लॉन के बारे में देखेंगे, टेफ्लॉन और पीवीसी इसके एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जो नॉर्मली सब्जी वब्जी वाले सब्जी डाल के देते हैं, सफेद कलर की जो आती है प्लास्टिक थैली जो आती है नॉर्मल सी, वो पॉलीथीन प्लास्टिक। ठीक है, एक है टेफ्लॉन जो आपने देखी है नॉन स्टिक कुकवेयर पे काले रंग की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन होती है। एक पीवीसी की कोटिंग, नॉर्मली पीवीसी सैनिटरी पाइप आते ग्रे कलर के पाइप नहीं देखे आपने, टॉयलेट में डलते हैं नीचे की तरफ ताकि जो सारा वाटर वगैरह सब उस पाइप के थ्रू नालियों में चला जाए। ठीक है, आपके जो सिस्टम है वो वाटर सीवरेज सिस्टम उसमें चला जाए, तो आपका जो पीवीसी पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के पाइप्स हैं। दूसरी बात एक और है, जो रबर की कोटिंग होती है ना तारों के ऊपर, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, वो भी पीवीसी कोटिंग होती है, पीवीसी के वायर्स होते हैं, पीवीसी वायर लिखा होता है उस पर। तो ये सारी तीन प्लास्टिक होती हैं, तो आपने देखो तार को जलाते हैं तो पीवीसी की प्लास्टिक तुरंत मेल्ट हो जाती है, तो या फिर थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्मोसेटिंग की बात करूं, ऐसी प्लास्टिक जिसमें मोनोमर्स का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, कैसा अरेंजमेंट होता है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ऐसी प्लास्टिक जिसमें आपके मोनोमर्स का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, देख रहे हैं लीनियर चेन्स भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इट मींस क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है वो अरेंजमेंट जिसमें लीनियर चेन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, सारी लीनियर चेन्स भी आपस में कैसी होती है, जुड़ी हुई होती है, इस प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके बैकेलाइट, और दूसरा आता है मेलामाइन, बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थर्मोप्लास्टिक। मैं आप दोबारा एक बार पेज डिस्क्राइब कर देती हूँ। प्लास्टिक इट इज अ जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल यूनिट कॉल्ड मोनोमर, यहाँ पर भी मोनोमर से बनी हुई है प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फर्क एक है, सिंथेटिक फाइबर में जितने भी मोनोमर से आपने लीनियरली जोड़े हुए हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक में पैटर्न ऑफ लिंकेज ऑफ मोनोमर को जोड़ने का अलग पैटर्न है, दो तरीके से जुड़ सकता है, एक तो लीनियरली जुड़ सकता है और एक कैसे जुड़ सकता है, क्रॉस लिंक, यानी जो लीनियर चेन्स हैं ये भी आपस में जुड़ी हुई होती है, और जब लीनियर चेन्स आपस में जुड़ी जाती है तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्या कहलाता है ये, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर्स का, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, क्या कहलाती है ये, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है मोनोमर का, दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, और ऐसी प्लास्टिक जिसमें मोनोमर्स का कैसा अरेंजमेंट होता है, क्रॉस अरेंजमेंट है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, देख रहे हैं लीनियर चेन्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड, जिसमें लीनियर चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती है, ऐसी प्लास्टिक जिसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट पाया जाता है मोनोमर्स का, दैट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ये तीन है आपके। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आपके एग्जाम्पल कौन से हैं, बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, एक बार बुक में देखेंगे जरा, देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम, जानते हैं प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम है, बकेट है, चेयर है, स्कूटी है, स्कूटर, इन सब में प्लास्टिक का मोल्डिंग यूज होती है आपके, और वायर्स हैं, सैनिटरी पाइप्स हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक के माई डेली लाइफ में यूज होती हैं, तो यहाँ पर मोनोमर्स का अरेंजमेंट होता है। ये देख रहे हैं बॉक्स से देख रहे हैं आप, इसमें देखें बॉक्स, ये एक बॉक्स शो करता है मोनोमर यूनिट को, केमिकल यूनिट को शो कर रहा है मोनोमर को, तो यहाँ पर देखेंगे लीनियरली जुड़ी गई हैं, सारे मोनोमर आपस सीधे सीधे जुड़े गए, सो दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट, यानी दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक शो करेगी यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक अरेंजमेंट है, यहाँ पर लीनियरली अरेंजमेंट होता है, यहाँ देख रहे हैं सारी लाइनें जो हैं, सारी लीनियर चेन्स आपस में जुड़ गई हैं, आपस में भी जुड़ी हुई है सब, ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक अरेंजमेंट होगा वो कौन सी होगी, ये वाली प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक, और ये वाली कौन सी होगी, थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें अगर डिस्कस करते हैं बॉक्स के बारे में, देखेंगे प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जस्ट लाइक द सिंथेटिक फाइबर की तरह,
ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. मैंने भी आपको बताया था कि प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह ही है क्योंकि वो मोनोमर से बनी है, ठीक है, लेकिन मोनोमर्स का सेम अरेंजमेंट नहीं होता. कुछ प्लास्टिक मोनोमर्स के सारे लीनियर पैटर्न से बनती हैं, कुछ क्रॉस लिंक पैटर्न से बनती हैं, ठीक है. इन सम इट इज लीनियर, कुछ प्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का, वेयर इज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक, कुछ में क्रॉस लिंक होता है. जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कुछ प्लास्टिक ऐसी हैं जिसमें मोनोमर्स सारे सीधे सीधे जुड़े हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसी हैं जिनमें मोनोमर्स भी आपस में, एक दो मोनोमर आप तीन मोनोमर आपस में जुड़े हुए रहते हैं. ये अरेंजमेंट कहलाता है क्रॉस लिंक, ये कहलाता है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है. इधर देखेंगे बुक पे आगे नेक्स्ट ऑल प्लाई हो गया. इन सम इट इज लीनियर एंड वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक. कैसा होता है, इट इज क्रॉस लिंक होती है, ठीक है. अब फिगर बता दिया मैंने 3.6. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज. एज यू कैन सी आपके चारों तरफ बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल से सामान आते हैं, डिफरेंट शेप और साइज मिलता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, इतनी सारी शेप है कैसे मिलती है, शेप इतनी सारी कैसे प्रोवाइड हो रही, कैसे डाल सकते हैं उनको शेप में. द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजली मोल्डेबल, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम आसानी से किसी भी शेप में डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी प्लास्टिक को डाल सकते हैं. कुछ प्लास्टिक ऐसी हैं जिनको हम किसी भी शेप में बार बार उसको नई शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी शेप अगर हम एक बार देते हैं तो हम दोबारा उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. सो द फैक्ट इज दैट द प्लास्टिक इज इजली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, बट प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज एंड कलर्ड, ठीक है. यानी प्लास्टिक की चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, मेल्ट हो जाती हैं, रोल्ड इनटू शीट एंड मेड इनटू द वायर्स, उनको हम रोल कर सकते हैं शीट में, मेड इनटू द वायर्स, वायर्स बना सकते हैं. दैट्स व्हाई इट फाइंड द वैरायटी ऑफ यूज, यानी ये प्लास्टिक के बहुत सारे यूज हैं कि प्लास्टिक को डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बना सकते हैं. प्लास्टिक की मेल्ट हो जाती है इसलिए बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं. इसके अलावा उसको शीट में रोल कर सकते हैं, वायर्स पर चढ़ा सकते हैं, सो मेनी यूजेस. नाउ दिस सो इन दिस वे प्लास्टिक इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोमर अरेंजमेंट, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. लेटर आई विल, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग विद द टॉपिक देन यू कैन आस्क फ्रॉम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.